नमस्कार मेरे खाने के शौकीन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फैमिली एंड फूड में। दोस्तों, हम घर पर बहुत सी चटपटी चीज़ें बनाते हैं और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए हरी चटनी और साथ में खट्टी मीठी लाल चटनी का भी ज़रूर प्रयोग करते हैं। हरी चटनी तो हम बना लेते हैं, लेकिन खट्टी मीठी लाल चटनी हम बाज़ार से लाते हैं। तो आज दोस्तों, हम वही खट्टी मीठी लाल चटनी यानी अमचूर की चटनी घर पर बनाना देखेंगे। ये बहुत ही आसानी से और जल्दी तैयार हो जाती है और इसे हम फ्रिज में 1 से 1.5 महीने तक इस्तेमाल करने के लिए रख सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं खट्टी मीठी लाल चटनी की रेसिपी। खट्टी मीठी अमचूर की लाल चटनी बनाने के लिए हम 200 ग्राम अमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा और अजवाइन पाउडर, 3 टेबलस्पून अरारोट यानी कॉर्न स्टार्च, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 250 ग्राम चीनी और 300 ग्राम गुड़, साथ में थोड़ा सा खाने वाला लाल रंग। अब सबसे पहले हम 2 ग्लास पानी में अमचूर पाउडर डालकर पकाएंगे। थोड़ा पकने के बाद एक एक कर सारे मसाले इसमें डाल देंगे। दोस्तों, यहाँ हमने अमचूर पाउडर सीधे पानी में डाल दिया है, इसकी वजह से थोड़ी गाढ़े पड़ गई थी। आप पहले अमचूर में थोड़ा पानी डालकर उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना, उसके बाद उस पेस्ट को पानी में डालना। इससे आपके अमचूर पाउडर में गाँठे नहीं पड़ेंगी और ऐसा ही अरारोट पाउडर के साथ भी करना है। साथ में सारे मसाले डालने के बाद स्पैचुला की मदद से उसे चलाते रहना। अगर आपके पास लिक्विड कलर हो तो आप उसे ऐसे ही चटनी में डाल सकते हैं। पाउडर कलर में थोड़ा सा पानी मिलाकर ही डालना। धीरे धीरे चटनी गाढ़ी होने लगेगी। जब थोड़ी सी चटनी गाढ़ी हो जाए तो आप उसे गैस पर से उतार लें और ठंडा कर लें। जब चटनी थोड़ी ठंडी हो जाए तो उसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। हमने इस चटनी में थोड़े से सूखे खजूर, किशमिश और खरबूजे के छिले हुए बीज डाले हैं और इन सबको मिला दिया है। और लीजिए, हो गई तैयार अमचूर की खट्टी मीठी लाल चटनी। इस चटनी को 1 से 1.5 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको अमचूर की खट्टी मीठी लाल चटनी की रेसिपी, कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।